हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 9 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है लाइफ इन डेजर्ट। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा के बारे में हम इसमें ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि यहाँ पे किस किस तरह की, जो हम बात करें कि क्लाइमेट पाया जाता है, फ्लोरा एंड फ्यूना यहाँ पे पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस तरह के पीपल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरह के क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फिर हम बात करें कि किस तरह के इन लोगों का जो है आपका, किस तरह के साधन यहाँ पे रनिंग होते हैं, क्या यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हुआ है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक इस वीडियो के लिए है वो है हमारा द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। कोल्ड डेजर्ट, क्या ठंडे रेगिस्तान के बारे में हमने कभी सुना है? नहीं सुना है तो आज हम यहाँ सुनेंगे, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान का मतलब तो हमने कभी सुना ही नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हम जब भी रेगिस्तान का नाम लेते हैं, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में इस वीडियो में पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि रेगिस्तान का जब भी नाम लेते हैं, डेजर्ट का जब भी नाम लेते हैं, तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बारे में ही व्यूज़ आते हैं कि वहाँ पर ढेर सारी मिट्टी होगी। और जिस तरह से हमने इससे ऊपर वाले में टॉपिक में पढ़ा था, तो उसमें भी हमने देखा कि सिर्फ मिट्टी ही नहीं होती है, वहाँ पे रॉक्स भी हैं, वहाँ पे उन रॉक्स की जो हाइट है वो भी काफ़ी ऊंची ऊंची हमने पढ़ी थी। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड, ला मीन्स माउंटेन पास एंड दाख मीन्स कंट्री। यानी ये जो है इस वर्ड को, हम लद्दाख को टू वर्ड्स में, हम यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे हमें दिया गया है कि ला जो वर्ड है उसका मीन क्या है, माउंटेन है, माउंटेन एंड देन माउंटेन पास, पास का मतलब रास्ता। फिर उन्होंने बताया है द वर्ड दाख, दाख मीन्स कंट्री, कंट्री का मतलब ऐसा देश जहाँ पे क्या है, माउंटेन पासेस है। तो अब स्टूडेंट्स, लद्दाख इज़ अ कोल्डेस्ट कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में, यानी पूर्वी दिशा में पाया जाने वाला ये कोल्ड डेजर्ट है जो लद्दाख के नाम से जाना जाता है। इन फिगर 10.4, दिस वन, ये फिगर हमें दी गई है, यानी ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और अगर हम इस तरह से चलेंगे मैप में तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये चार साइड हो गई। उन्होंने हमें कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट साइड में, यानी ये वाले साइड में, तो ये पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे रेड कलर से ये आइडेंटिफाई भी किया हुआ है, लद्दाख रेंज। तो द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द झांस्कर माउंटेन इन द साउथ एंड क्लोज इट, सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, कि यहाँ से कई सारी नदियाँ जो हैं वो भी निकलती हैं, जैसे कि आपको ये जो ब्लू कलर की जो दिख रही हैं, ये सारे के सारे रिवर्स हैं, ये है इंदस रिवर है, श्योक है, ये है दिस वन इंदस रिवर है, तो ये सारे रिवर्स जो हैं निकल रहे हैं यहाँ पे। फिर द इन दस बींग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दम, और इनसे इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो यहाँ पे इंदस नदी मानी जाती है। द रिवर फ्रॉम डीप वैलीज एंड जॉर्जेस, सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, यहाँ पे बहुत सारे जो हम ये कहें कि घाटियाँ भी हैं, ग्लेशियर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगिरी ग्लेशियर यहाँ पे पाया जाता है। फिर हम देखें द एल्टीट्यूड इन द लद्दाख वेराइज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 इन द कराकोरम, ये यहाँ की जो एल्टीट्यूड से हाईएस्ट जो है वो यहाँ पे पाया जाता है, ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, और यहाँ पे बहुत ऊंचाई पाई जाती है। द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, तो यहाँ पे हम ये कहें कि जो क्लाइमेट है यहाँ पे, मौसम जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली ठंडा पाया जाता है और ड्राई होता है, सूखा होता है। द एयर इन दिस एल्टीट्यूड इज़ सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी
फेल्ट इंटेंसली, कि यहाँ पे हम ये कहें कि यहाँ पे हवा जो होती है बहुत ही थिन होती है, कम होती है, और उस वजह से यहाँ पे सूरज जो है कैन बी फेल्ट इंटेंसली, और सूरज की गर्मी जो है वो यहाँ पे बहुत कम होती है. द डे टेम्परेचर्स इन द समर आर जस्ट अबाउट 0 degree. मतलब दिन का टेम्परेचर अगर हम गर्मियों का यहाँ पे नापें तो वो 0 degree होता है, अबाउट 0 degree. एंड द नाइट टेम्परेचर इज़ बिलो -30 degree. कि अगर गर्मी में अगर हम दिन का रात का टेम्परेचर देख रहे हो तो इट इज़ -30 degree जा रहा है, और दिन का जो है वो अबाउट 0 degree टेम्परेचर. इन द विंटर्स व्हेन टेम्परेचर मे रिमेन बिलो -40 degree सेंटीग्रेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. यानी विंटर्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -40 degree सेंटीग्रेड होता है, एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज. कि जैसा कि हम कहें कि ये हिमालय की रेन शेडोज के अंदर आता है, देयर इज स्टिल लिटिल रेनफॉल, तो यहाँ पे बारिश जो होती है वो कम होती है, एज लो एज 10 centimeter एवरी ईयर. यानी प्रति वर्ष की अगर हम बात करें तो 10 centimeter से भी कम बारिश यहाँ पे होती है. द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स आर बर्निंग हॉट सनलाइट. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड ऑफ, यू मे सफर फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड द फ्रॉस्ट बीट एट द सेम टाइम. कि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको आश्चर्य होगा इस चीज़ से कि अगर आप वहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं तो आपको शेड में, अगर आप वहाँ बैठे हुए हैं धूप और शेड वहाँ पे है तो आप उस नंगे पैर आप बैठे हुए हैं वहाँ पे आप फील करेंगे उस चीज़ को कि यू मे सफ़र फ्रॉम द बोथ सनस्ट्रोक. यानी गर्मी से भी आप परेशान हो सकते हो, यानी जो सनस्ट्रोक होता है, जो धूप का जो प्रकोप होता है वो, और फ्रॉस्ट बिट का मतलब जमा देने वाला, यानी पैरों से आपको क्या लगेगी, ठंडक लगेगी और ऊपर से आपको हीट होगा. तो यहाँ पे इस तरह का जो मौसम है वो यहाँ पे पाया जाता है. अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट है आपका फ्लोरा एंड फ्यूना. तो फ्लोरा एंड फ्यूना की अगर हम बात करें तो ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्श. कि यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बहुत ही स्पार्श पाई जाती है. देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रास. कि कहीं कहीं घास के जो पैचेस हम कह सकते हैं, जैसे पूरा एरिया खाली है और कहीं कहीं पे इस तरह से जो है घास के पैचेस कहीं कहीं हमें देखने के लिए मिलते हैं. दिस आर पैचेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू गेज. और यहाँ पे कुछ श्रब्स भी उगाई होती हैं जो कि एनिमल्स को खाने के काम आती हैं. ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपलर्स आर सीन इन द वैलीज ड्यूरिंग द समर्स. फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकोट एंड वॉलनट्स ब्लूम. यहाँ पे जो गर्मी का मौसम होता है तो कुछ फ्रूट ट्रीज जो होते हैं, जैसे कि हम कहें कि एप्पल्स हैं, एप्रिकोट हैं, अखरोट हैं, वॉलनट्स हैं, वो ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलते हैं. सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख. यहाँ पे कुछ पक्षियों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि हम बात करें रॉबिन है, रेड स्टार्ट्स हैं, तिब्बतियन स्नो कॉक है, रेविन है, यहाँ पे होप है, आर कॉमन है यहाँ पे. सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स का मीन है जो कि पक्षी जो हैं वो बाहर से यहाँ पे आते हैं. द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स. जो जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं उसमें आपके वाइल्ड गोट्स हैं, वाइल्ड शीप हैं, याक है, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं. द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क मीट एंड हाइड्स. कि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उन दूध और मीट के लिए यूज़ किए जाते हैं. याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर. याक का जो दूध होता है उसको चीज़ और बटर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. द हेयर ऑफ शीप्स एंड द गोट इज़ यूज टू मेक वूलन्स. कि यहाँ पे जो शीप्स और गोट्स पाए जाते हैं उनके बाल जो हैं वो गर्म कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब नेक्स्ट इसमें हम बात करें पीपल्स यहाँ पे किस तरह से रहते हैं. तो डू यू फाइंड एनी रिजेंबलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख इन द इनहैबिटेंट तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया. कि यहाँ के जो लोग हैं उनको हम ये कहें कि तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोग की तरह आपने कभी सुना है. द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट. कि यहाँ के जो लोग हैं वो मुस्लिम भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं. इन फैक्ट हम कहें कि सेवरल बुद्धिस्ट मॉन्सेंट्रीज डू डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल गुम्पास. सम फेमस माउंटेन्स ट्रीज आर हेमिस, थिक्से, शे,
and the Lemurioso. Figure 10.5. In figure, this is 9.5. It is wrong. 10.5 यहाँ पे लिखा हुआ है. तो figure 9.5 में हमें यहाँ पे जो रहने के तौर तरीके हैं थिक्सी माउंटेन्सरी के वो बताए गए हैं यहाँ पे. इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बेरली पोटैटोज पीज बीन्स एंड टर्निप. ये यहाँ पे उगाए जाने वाले हम कहें कि क्रॉप्स हैं कि ये उगाते हैं गर्मी के मौसम में. द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ्स इज सो हार्श. सर्दी के मौसम का जो हमें कहें कि जो महीने होते हैं वो बहुत ही हार्श होते हैं, कठिन होते हैं. दैट कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन फेस्टिव्स एंड द सेरेमनीज. और उस समय ही अपने आप को जो है उत्सव और त्योहारों में बिजी रखते हैं. द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग. यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही मेहनती होती हैं. दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस. वो घरों में ही काम नहीं करती हैं. एंड फील्ड्स ऑल्सो कि वो फील्ड में भी खेतों में भी काम करती हैं. फिर अगर हम बात करें बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स की. यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो घर और खेत में ही नहीं बल्कि कुछ छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं दुकानें हैं उनको भी संभालती हैं. लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड विद बोथ द रोड एंड एयर. कि लद्दाख का जो कैपिटल है लेह वो एयरवेज से और रोडवेज दोनों से ही लद्दाख से कनेक्टेड है. द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजीला पास. कि जोजीला जो पास रास्ता जाता है उस रास्ते से ये नेशनल हाईवे 1A जो है उससे कनेक्ट है टू कश्मीर वैली तक थ्रू द जोजीला पास. कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयाज. जिस तरह से जोजीला दर्रा है पास है उसी की तरह से आप कई और नाम जो हैं इस तरह के पासेस जो हिमालय को पास आउट करते हैं क्या उनके नाम बता सकते हैं. टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फॉर्म विद इन इंडिया एंड अब्रॉड. कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं. मेजर एक्टिविटी यहाँ की टूरिज्म ही मानी जाती है, पर्यटन ही माना जाता है क्योंकि यहाँ का जो ग्रीनरी है यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है जो टूरिस्ट होते हैं उनको बहुत ही लुभाते हैं. विजिट्स टू द गंपास ट्री टू सी मीडियोज एंड द ग्लेशियर्स. लोग जो हैं यहाँ पे मीडियोज देखने के लिए आते हैं जो फिर ग्लेशियर्स देखने के लिए आते हैं. विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटी आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़. यहाँ पे किस तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, अवसर सेलिब्रेट किए जाते हैं, लोग यहाँ पे इनको ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं, व्यू करने के लिए आते हैं. लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. यहाँ के लोगों के जीवन में भी कुछ बदलाव हुए हैं आधुनिकीकरण के कारण. बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज. लेकिन बहुत सारी सेंचुरीज़ के बाद भी जो लद्दाख के लोग हैं लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमनी विद नेचर. कि यहाँ के जो लोग हैं आज भी प्रकृति के साथ में ही एक बैलेंस बनाकर हम कहें एक तालमेल बनाकर यहाँ पे रहते हैं. ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल. जबकि हमें कहें कि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है पानी और फ्यूल की. दे आर यूज टू रिप्रेजेंट एंड केयर. नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड. तो वो किसी भी तरह के जो रिसोर्सेज उनके पास में अवेलेबल हैं वहाँ पे वो किसी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि वो उनकी क्या करते हैं केयर करते हैं. तो उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है वी शुड यूज़ दैम. और हमें उनको यूज़ करना चाहिए और उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन. जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.